بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الى اخر الايه صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا ثم شبك بين اصابعه محترم حضرات حاضرین اعزاز ملت اسلامیہ کے نوجوانوں ہم اور آپ अच्छी तरह जान रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे अंदर हमारे समाज में कितने खुराफात आ गए हैं और कितनी मुहलिक बीमारियां हमारे समाज में दाखिल हो गई है। उन मुहलिक बीमारियों की वजह से हम और आप दिन ब दिन कमजोर और बेबस बनते जा रहे हैं। आखिर हमारे अंदर ये सारी बीमारियां कहां से आई, कैसे आया? हमने आपके सामने कुरान की आयत तिलावत की है, एक छोटी सी आयत, मुख्तसर सी आयत तिलावत की है। हम उसी के पसे मंजर में आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम पूरी तरह बिखर चुका है। इस्लाम के मानने वाले, इस्लाम के नाम लेवा कहीं भी महफूज नहीं है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी देहात में हो या शहर में हो या किसी मालिक में हो, कहीं भी मुसलमान महफूज नहीं है। मुसलमानों को सताया जा रहा है, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, मुसलमानों की माओं और बहनों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। आखिर ये सारी वजहें, हमारे अंदर ये सारी बीमारियां और ये सारे खुराफात हमारे अंदर कहां से आ गए कि ये हाल मुसलमानों का हो रहा है कि हम मुसलमानों को सताया जा रहा है, हम मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाया जा रहा है, हम मुसलमानों को हर तरह से देश से, शहर से, ममालिक से भगाया जा रहा है। ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? वजह उसकी यह है कि हम में इख्तलाफ बरपा है, हम में इत्तेफाक नहीं है, हम आपस में मेल जोल को छोड़ दिया है, हमने इत्तेहाद व इत्तेफाक को बलाए ताक रख दिया है, आपसी उख़वत और भाईचारगी को पसे पुश डाल दिया है। यही वजह है कि हम मुसलमान हर जगह बेबस और कमजोर हो रहे हैं, हर जगह जलीलो खार हो रहे हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम के मानने वालों, मुसलमानों, मुसलमान नौजवानों, अगर हमारी ये हालत रही तो वो दिन दूर नहीं कि हम लोगों को इस शहर से, क्या इस देश से भगा दिया जाएगा, हमारा बुरा हाल हो जाएगा, हमारी बहनों, हमारी माओं के इज्जतों के साथ खिलवाड़ किया जाएगा और हम और आप जो है देखते के देखते रह जाएंगे। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, पकड़ लो। रस्सी से मुराद दीन है,
अगर हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं पकड़ा, दीन को मजबूती से कायम नहीं रखा, दीन को ढा दिया, तो यही हाल होगा जो अब हो रहा है हमारे साथ। समझने के लिए एक छोटी सी मिसाल पर अगर हम आप गौर करेंगे तो समझ जाएंगे। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान के लिए एक इमारत से मिसाल दी है। अल-मुमिनु लिल-मुमिन कल बुनियान, कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए इमारत की तरह है, एक बनी हुई बिल्डिंग की तरह है, कि जिस तरह एक बनी हुई बिल्डिंग मजबूत होती है अपने पिलरों के साथ और अपने तमाम मसालों के साथ जब मिलकर तैयार होता है तो वो बिल्डिंग मजबूत होता है, उसी तरह एक मुसलमान अगर दूसरे मुसलमान के साथ मोहब्बत करेगा, जिस तरह अपने आप को देखेगा उसी तरह दूसरे किसी मुसलमान को देखेगा, जो अपने लिए पसंद करेगा वही दूसरे मुसलमान भाई के लिए पसंद करेगा, तो वो मोहब्बत बनती जाएगी, इख्तिलाफ के बजाय इत्तेफाक बनता चला जाएगा। और जब हमारे अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम हो जाएगा तो किसी भी गैर लोगों के अंदर ये ताकत नहीं कि वो हमें झिंझोर दे, हमको उखाड़ कर फेंक दे। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद बनाए, इख्तिलाफ को पसे पुश डाले, तब जाकर हम और आप कामयाब बन सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल समझिए कि हिजरत के बाद हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इस भाईचारगी को कायम रखने के लिए तकरीर पेश की और उसमें यह बताया कि मुहाजिर और अंसार दोनों आपस में भाई भाई हैं। जब उन्होंने तकरीर पेश की तो कुछ ही देर के बाद, ये एक नसीहत है हम मुसलमानों के लिए जिससे हम और आप सबक हासिल कर सकते हैं, उस मजलिस में उस महफिल में हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे जो बहुत अमीर थे, मदीना में बहुत बड़े दौलतमंद थे। एक अंसारी सहाबी जिनका नाम हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु है, वो जवान है, उनकी शादी नहीं हुई है, वो गरीब है। हजरत साद रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे कहते हैं कि देखो अब हम और आप आपस में भाई भाई हैं, इसलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं कि देखो हम मदीना में बहुत अमीर हैं, हमारे पास मालो दौलत बहुत ज्यादा है, अगर हम और आप जब भाई बन गए तो हमारे माल में से आप आधा ले सकते हैं, दौलत में से, हमारी मालो दौलत में से, जायदाद में से आप आधा ले सकते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि देखिए अभी आप शादीशुदा नहीं हैं और हमारे पास अभी दो बीवियां हैं, अगर आपको शादी की ख्वाहिश है, शादी करना चाहते हैं, तो हम अपनी एक बीवी को तलाक दे देंगे खुशी बखुशी, और आप उससे चाहेंगे तो उससे शादी कर लेंगे और उसके साथ हंसी खुशी से रहेंगे, जिंदगी गुजारेंगे। तो ये है सहाबा लोगों का इशार, ये है सहाबा लोगों की कुर्बानी कि अपने भाइयों के लिए अपने मालो दौलत में से आधा देने के लिए तैयार है और इसी तरह अपनी बीवी को भी देने के लिए तैयार है। लेकिन आज हम मुसलमानों का हाल ये है
कि अगर कोई मुसलमान गरीब है, मोहताज है, रुपये पैसों की ज़रूरत है, तो एक मुसलमान भाई जो अमीर है, जिसके पास रुपयों पैसे की मोहताज है, वो शख्स अगर उससे वो गरीब आदमी मुतालबा करता है उस अमीर आदमी से, तो ये कहता है कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है। हाँ रुपया तो है, लेकिन हम आपको ब्याज पर देंगे, आपको ब्याज लगेगा, हम आपको 10,000 रुपया देंगे, तो उस 10,000 में ब्याज चलेगा तब हम आपको देंगे। वो 2 महीना ब्याज चले, 6 महीना चले, साल भर चले, जब तक चले ब्याज, जब तक आप नहीं देंगे हम आपको रुपया नहीं देंगे। मतलब ये है कि एक वो मोहताज आदमी, गरीब आदमी तो मर रहा है, फिर ऊपर से मारने की कोशिश की जा रही है, और वो किसके जरिए? मुसलमानों के जरिए, और मुसलमान अमीरों के जरिए। अगर हमारे इस मुसलमान अमीरों का हाल ऐसा रहा तो क्या कोई गरीब भूखे नहीं मरेगा? मरेगा, जरूर मरेगा। मेरे भाइयों, गरीबों का पेट भरो, यतीमों के माल खाने से बचो, यतीमों का पेट भरो, तब जाकर हमारे अंदर वो इस्लाम की रूह पैदा होगी, जिसकी वजह से हमारा इस्लाम बुलंद होगा, हम और आप बुलंद होंगे। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, इन हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतन वाहिदा, कि बेशक ये उम्मत जो है ये सब के सब एक उम्मत है, ये एक उम्मत है। मतलब ये है कि हम सब जो है एक दीन पर चलने वाले हैं, और वो दीन क्या है? दीन इस्लाम है। जब तक हम इस्लाम की रूह को नहीं समझेंगे, जब तक हम इस्लाम के पाक दामनी को तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक इस्लाम के मानने वालों को, इस्लाम की किताब, इस्लामी किताबों को हम मुताला नहीं करेंगे, हम उलमाए दीन से रब्त कायम नहीं करेंगे, हम उलमाए दीन से ताल्लुक कायम नहीं करेंगे, और दीन की हकीकत को नहीं पहचानेंगे, तो हमारा वही हाल होगा जो हमसे पहले बहुत सारे मुसलमानों का हाल हुआ। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हम वक्त आएगा कि एक दिन हमें गाजर मूली की तरह काट देंगे, और हम देखते के देखते रह जाएंगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हम और आप जो है इतना दीन से गाफिल है, इतना गाफिल है कि उसकी कोई हद नहीं, उसकी कोई हद नहीं। वो इसलिए कि अगर घर में कोई एक नमाजी है, बाप नमाजी है तो बेटा नमाजी नहीं है, बेटा नमाजी है तो पोता नमाजी नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स घर में कुरान पढ़ता है तो उसको सुनने वाला कोई नहीं है, कोई कुरान सुनाता है तो उसको कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के दिल में यह ख्वाहिश नहीं होती कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान को सुने। मेरे भाई और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला कि अगर हम फरमानी पर आ जाएंगे, फरमाबरदारी करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे खुश होगा, अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश होंगे। पहले के सहाबे किराम का क्या हाल था कि सुबह में उठते, नमाज की तैयारी करते, नमाज के लिए जाते, लेकिन आज हम मुसलमानों का ये हाल है कि हम सुबह में उठते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल की दुनिया में लग जाते हैं, मोबाइल की दुनिया में लग जाते हैं, और उस मोबाइल में ये नहीं कि हम उस मोबाइल के जरिए दीन इस्लाम को फैलाएं, उस मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत सुने, उस मोबाइल के जरिए किसी एक छोटी सी हदीस को किसी दूसरे मुसलमान भाई के सामने व्हाट्सअप करें, जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी संवर सके, उसकी ज़िंदगी आबाद हो सके। लेकिन हम मुसलमान नौजवान मर्द हो या नौजवान औरतें हो, हम मुसलमान जो है मोबाइल के जरिए फहश कलामी और उसके गंदी फिल्मों को देखते हैं, चाहे वो सुबह शाम हो या
दिन का कोई भी हिस्सा हो या रात का कोई भी हिस्सा हो, मेरे भाई और बुजुर्गों, इस मोबाइल ने हमारी जिंदगी को तहोबाला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, तबाहो बर्बाद कर दिया है। हम और आप समझते नहीं हैं, इस मोबाइल के जरिए इस्लाम भी फैलाया जा सकता है, इस्लाम की रोशनी को और रोशननास कराया जा सकता है, लेकिन हम मुसलमान जो है इस मोबाइल के जरिए बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई और बुजुर्गों, अगर ये हालत रही तो हम और आप जो है इससे भी ज़्यादा दलील खार होंगे और हम जो है बहुत ज़्यादा गहराइयों के अंदर गिर जाएंगे। हमको कोई उठाने वाला नहीं होगा, हमको कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारे साथ वो रवैया किया जाएगा जो इससे पहले के अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ किया था कि मुसलमानों को फांसियों पर लटका दिया गया, लेकिन कोई मुसलमान की हिम्मत न हुई कि उसके खिलाफ परचम लहराए, और जो मुसलमान उसके खिलाफ परचम लहराता था उस मुसलमान को भी बलि चढ़ा दिया जाता था, उस मुसलमान को भी काट दिया जाता था। अगर हमारे अंदर इत्तेहाद नहीं रहा, इत्तेफाक नहीं रहा, तो इसी तरह हम गाजिर मौली की तरह काट दिए जाएंगे, हम पारा पारा कर दिए जाएंगे, हमारे बुरे हाल हो जाएंगे। मेरे भाई और बुजुर्गों, समझने की बात है, ध्यान देने की बात है, कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। हमको और आपको चाहिए कि कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमको और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए।